welcome back my dear students of grade tenth. as you know we are doing the second chapter of economics sectors of the Indian economy and today in this video we will discuss the private and the public sector it means we are going to classify the different activities according to the ownership it means jobby assets उनका ओनर कौन है और जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है दैट वी डिस्कस इन टू डेज वीडियो लेटर स्टार्ट टू डेज वर्क हमारे आसपास अलग अलग तरह की लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को हमने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है दैट इज प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एक्टिविटी एंड वाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिवाइडेड दैट एक्टिविटीज़ इन टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड थर्सरी सेक्टर और इसके अलावा हमने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डिवाइड किया कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसी है कि लोग कैसा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दो सेक्टर हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मीन्स वहाँ पर काम करने की कंडीशंस क्या हैं एंड टुडे वी विल डिवाइड दीज एक्टिविटीज़ इनटू द अनदर सेक्टर्स दैट इज़ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किसके पास है उसका ओनर कौन है और उन सर्विसेज या गुड्स को प्रोवाइड कौन करवा रहा है तो इन दो बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में मींस जो भी गुड्स बनाई जा रही हैं जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसका असेट्स का ऑनर कौन है सेकेंडली उनकी डिलीवरी कौन कर रहा है तो अगर ये काम गवर्नमेंट कर रही है दैट इज़ असेट्स भी उसके पास है सर और सारी सर्विसेज भी वही प्रोवाइड करवा रही है दैट इज़ द गवर्नमेंट तो दैट सेक्टर इज़ द पब्लिक सेक्टर अगर कोई इंडिविजुअल और कंपनीज हैं और उनके पास सभी असेट्स की ओनरशिप है और डिलीवरी भी वही करवा रहे हैं तो दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर इस बेस पर हम दोनों सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज के ओनर कौन है और उसको डिलीवरी कौन कर रहा है सेकेंडली यहाँ पर हम देखेंगे इनके एग्जांपल इनके एग्ज़ाम्पल भी अलग अलग हैं कि जो रेलवेज हैं पोस्ट ऑफिस हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाइल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज दीज आर द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अनदर क्राइटीरिया ऑन विच वी कैन क्लासीफाइज दिस इन टू द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर दैट इज़ द मोटिव उनका मोटिव क्या है अगर तो उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना तो दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या होता है दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल फिर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी अर्न करता है तो इसके लिए वे लोगों के पर टैक्स लगाते हैं जब दूसरे वेज होते हैं जिससे जो भी सर्विस दी जाती है उसकी फीस वगैरह ली जाती है जिससे गवर्नमेंट के पास इनकम हो जाती है पर सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं या सर्वसेज होती हैं जिसे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करवा सकता एट अ रीज़नेबल कॉस्ट क्योंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी आती है उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है दैट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ पर जो सारा खर्च है वो गवर्नमेंट मींस पब्लिक सेक्टर ही बॉर्न करता है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ब्रिजेस रेलवेज हार्बर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ थ्रू डैम्स एट्सेट्रा तो ये सारी सर्विस ऐसी होती हैं जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते वो इतना खर्च नहीं कर सकते सेकेंडली अगर वो खर्च करते भी हैं तो इनसे मनी कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि इतने थाउजेंड ऑफ पीपल जो इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे तो उनसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं मनी क्योंकि गवर्नमेंट तो सबके ऊपर टैक्स लगा देगी और इज़िली कलेक्ट कर सकती है बट प्राइवेट इंडिविजुअल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देट सेकेंडली अगर वो ऐसी सर्विस दे भी देते हैं बट उन पर काफ़ी खर्च आता है जिस कारण से उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी इनसे ज़्यादा हायर रेट पर उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो दीज आर द्री रीजन्स डैट्स वाई द दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट इज़ असेंशियल फॉर द सोसाइटी दैट इज़ प्रोवाइडेड ओनली बाई द पब्लिक सेक्टर बिकॉज ऑफ़ द कोस्ट कॉस्ट ज़्यादा आती है सेकेंडली उनकी कलेक्शन करनी मुश्किल हो जाती है और थर्डली अगर वो ज़्यादा खर्च कर भी देते हैं प्राइवेट सेक्टर तो उनका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफ़ी कॉस्ट आती है अगर उसी कोस्ट पर लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी तो लोग जो स्मा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बंद हो जाएंगे जो स्मार्ट स्केल होते हैं वो बंद हो जाएंगे वो इतनी कोस्ट को नहीं पूरा कर सकते तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है जितनी कोस्ट इलेक्ट्रिसिटी की आती है बनाने की उससे कम रेट पर उनको प्रोवाइड करवाती है ताकि वो यूनिट्स अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते रहे तो कुछ पार्ट उसकी कॉस्ट का गवर्नमेंट बियर करती है जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है हंड्रेड रुपीज़ आएगी तो उसमें से गवर्नमेंट फोर्टी रुपीज़ तो वो खुद देगी और जो सिक्सटी रुपीस है दैट इज़ बोर्न बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है चाहे जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो उनका खर्च देंगे और कौन सी सर्विस है जहाँ पर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए दैट इज़ व्हीट एंड राइस फार्मर्स से वो क्या करती है जो उनको प्राइजेस पहले डिक्लेयर किए होते हैं उन प्राइजेस पर वो फार्मर से जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है उनको उनसे ख़रीद लेती है जो गरीब लोग होते हैं उसको कम प्राइस पर प्रोवाइड करवाती है थ्रू द राशन शॉप्स दैट इज़ हियर ही आल्सो दैट मींस द गवर्नमेंट आल्सो बीयर द कोस्ट कुछ कॉस्ट वो खुद पे करती है तो इसमें वो मीडिएटर का, का काम करती है गवर्नमेंट फार्मर से जो स्पोर्ट प्राइस होता है जो फेयर प्राइस होता है उससे वो गवर्नमेंट फार्मर से खरीद लेती है और कंज्यूमर को उससे लेस प्राइस पर प्रोवाइड करती है थ्रू द राशनिंग शॉप्स इस तरह गवर्नमेंट दोनों फार्मर्स को और कंज्यूमर दोनों को ही सपोर्ट करती है थर्डली कुछ असेंशियल जब प्राइमरी सर्विसेज होती है दैट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट तो उन पर खर्च करना ज़रूरी होता है जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन स्कूल और कॉलेज खुलवाना और लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अनदर असेंशियल सर्विस फॉर द सोसाइटी दैट इज़ हेल्थ फैसिलिटी जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में ज़्यादा जो चिल्ड्रंस हैं माल नरिश्ड है माल नरिश मीन्स कुपोषित हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता और कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कई जगह ज़्यादा है इन्फेंट मोटेलिटी रेट क्या होती है जो एक साल से कम उम्र के बच्चे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है जैसे उड़ीसा में फोर्टी वन है मध्य प्रदेश में फोर्टी सेवन है जो कि बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए भी गवर्नमेंट काम करती है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फ़ॉर द प्योर फूड एंड न्यूट्रिशन दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो गरीब से गरीब सेक्शन है जो रीज़न ऐसे होते हैं जो इग्नोर्ड होते हैं जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है तो उन एरियाज में और उन लोगों तक सारी फैसिलिटीज़ तो पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है इट मींस इन एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है प्राइवेट सेक्टर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है तो दैट इज़ note borne by the private sector that is the last topic of the this chapter i hope this chapter that is sectors of the indian economy clear to you thank you for watching this video